अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरी वीडियो है हमारी। इस क्लास में हम लोगों ने पहले लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, मैट्रिक्स के मर्तबों के बारे में पढ़ा था, मैट्रिक्स के आर्डर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और रोज़ और कॉलम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको बेसिकली मैट्रिक्स के बारे में कोई मसला हो तो पहले वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोगों का चौथा सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे साथ जो मैट्रिक्स दिए गए हैं, कहते हैं दो मैट्रिक्स आपके साथ दिए गए हैं, इनमें इक्वल कौन से है, कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, एक दूसरे के बराबर है। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि मैट्रिक्स की इक्वलिटी किस तरह है, मैट्रिक्स किस तरह इक्वल हो सकते हैं। अगर आपके साथ दो मैट्रिक्स हो, कितने मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स हो, अगर उनके मर्तबे भी एक जैसे हो और इसमें मौजूद अरकान की तादाद भी एक जैसे हो, ठीक है, कंडीशन ये होनी चाहिए, शर्त ये होनी चाहिए, दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल हो सकते हैं अगर इनके मर्तबे भी एक जैसे हो और उसमें मौजूद अरकान भी एक जैसे हो। फर्ज करें 1.1 का है, ठीक है, 1.1 का है हमारे साथ जो लेक्चर है, हमारी जो वीडियो है वो दूसरी है, ठीक है, लेक्चर 2। इक्वल फर्ज करें हम लोग एक दो मैट्रिक्स बनाएंगे, फर्ज करें मैट्रिक्स हमारे साथ ये है 2, 4, 6, 5 फर्ज करें, दूसरा हमारे साथ है बी, ठीक है, 1+1 और यहाँ पर 6-2 फर्ज करें, फर्जी बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर फर्ज करें 6 हम लोगों ने लगा दिया, यहाँ पर 3+2 लगा दिया, ठीक है। यह साइडों में जो हमारे साथ मैट्रिक्स के जो साइड है दिए गए हैं, रोज़ और कॉलम दिए गए हैं, ठीक है। देखिए अभी आज भी यही ये सोच आप लोगों ने रखना है कि ये हमारे साथ एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ठीक है, ये एक रो है, ये दूसरा रो है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसकी ये चीज़ देखनी है कि इसके मर्तबे एक जैसे है या नहीं है, आर्डर इसके सेम है या नहीं है, आर्डर सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2x2 है, आर्डर सेम हो गए, एक शर्त तो हमारा सही हो गया, ठीक है, आर्डर सेम हो गए, दो रोज हो गए, दो कॉलम्स हो गए, ये बात तो सही है, ठीक है, ये बात सही हो गई, आर्डर सेम हो गए, एक कंडीशन पर हम लोग पूरे उतरे, एक कंडीशन के मुताबिक ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। दूसरा कंडीशन देखिए, यहाँ पर एक और एक को अगर जमा करें तो क्या बन जाता है, 2, यहाँ पर भी 2 है, शाबाश, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, 6 से अगर 2 निकाले तो क्या बन जाता है, 4, ये कंडीशन भी सही, 3 और 2 जमा करें तो हमारे साथ क्या बन जाता है, 5, मतलब दोनों कंडीशन सही है, अरकान भी एक जैसे है और मर्तबे भी एक जैसे है, लिहाजा हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू B, सही है, कोई मसला तो नहीं है समझाने में, ठीक है। अच्छा अभी आते हैं सवालात की तरफ, ठीक है, सवालात आप लोगों को दिए गए हैं, आप लोग बुक्स खोलें, बुक्स के सामने बलूचिस्तान बोर्ड का है और एडिशन्स तकरीबन 2021 का एडिशन है, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप लोगों को इक्वल का सीटों का इक्वलेशन आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ये किस तरह इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हमारे साथ ए है, सीट ए है, सॉरी मैट्रिक्स ए है। अभी हम लोगों ने इनमें से देखना है कि कौन सा इसका इक्वल हो सकता है, कौन सा मैट्रिक्स इसका इक्वल हो सकता है, ए का इक्वल कौन सा है, हम लोगों ने यही देखना है। यहाँ पर 5, 3, 4 ये अपनी जगह पर है, पहले हमें ये देखना है इसमें कॉलम एक है और रोज़ हमारे साथ 3 है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखे कहाँ पर है, ये देखे, ये 4 और 1 जमा करो 5, ये से 3, ये हो गया 4, देख इसका भी कॉलम एक जैसे और अरकान भी बराबर है, देखे 4 और 1 5, 5 से 2 निकाला क्या रह गया 3, ये हो गया 4, ठीक है, लिहाजा इसका बराबर कौन सा है, ई, ठीक है। अगला आप लोग देखें बी,
2 3 4 1 2 3 पहले हमें ये चीज़ देखना है कि इसके जो ऑर्डर है किसके साथ बराबर है, ऑर्डर किसके साथ बराबर है, ऑर्डर ना ऑर्डर बराबर है ना अरकान बराबर है, इसको छोड़ दे, सही है, इसको छोड़ दे। यहाँ पर 2 3 1 1 5 2, यहाँ पर देखे H, एक और एक जमा करे क्या आ गया 2 3, तो वैसे है एक और एक ये तो है, ठीक है, 5 सॉरी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर चलो मैं खाली सवाल को चेक करूँ शायद मेरे साथ, अच्छा 3 जमा 2 है, ठीक है, यहाँ पर 3 जमा 1 नहीं है, 3 जमा 2 है, ठीक है, 3 और 2 को जमा करो हमारे साथ क्या आएगा 5, ठीक है, 3 से 1 निकाला 2, तो सी हमारे साथ किस चीज़ का इक्वल है, एच का इक्वल है, बात आ रही समझ में, शाबाश। डी को देखो 7 2 9 जी जी के, देखिए 6 जमा 1 ये हो गया 7, ये हो गया 2, ये हो गया 10 से 1 गया 9, 1 4 3 1 5 7, डी इक्वल है जी के। अच्छा अभी ई तो ऑलरेडी इक्वल है ए का, एफ देखे एफ का कोई इक्वल है नहीं मिल रहा है जी, आई आई का ए है और यहाँ पर 7 है, ठीक है, चलो मरतबे तो इक्वल है लेकिन इसके जो मुतनाजिर अरकान है इसमें मौजूद अरकान है, ठीक है, ये क्या है इक्वल नहीं है, लिहाजा हम लोग इसको इक्वल नहीं कह सकते, ठीक है। एच ऑलरेडी इक्वल है सी का, आई का इक्वल नहीं है, जे का इक्वल नहीं मिल रहा है, सही है। ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है कि आपने ए बी सी और डी की जो कीमतें हैं वो मालूम करनी है, ए बी सी और डी की कीमतें हैं वो मालूम करना है। अच्छा ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 4 सवाल आते हैं, आसान मसला नहीं है, इसमें हम लोगों ने ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करना है, सही है। देखिए यहाँ पर पहला सवाल मैंने लिख लिया है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है बी, ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर सी है, ठीक है। अभी देखे 6 की जगह पर कोई भी मुतगैर नज़र नहीं आ रहा है, बी की जगह पर तो आ रहा है 2 है, ए की जगह पर 3 है और सी की जगह पर 4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बराबर किस चीज़ का है, ए यहाँ पर 3 है, ए बी किस चीज़ का बराबर है 2 और सी किस चीज़ का बराबर है 4 के, ठीक है, ये आपके साथ क्या है आंसर है इसका, ठीक है, ये इसका आंसर है। देखिए दूसरा चौथा सवाल मैंने कर दिया, यहाँ पर ए की कीमत देखे, ए की जगह पर क्या है 5, बी की जगह पर क्या है -7, ठीक है, सी की जगह पर क्या है 5 और डी की जगह पर 2, ये आप लोगों के साथ क्या है आंसर है, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को इसमें, और सवाल कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरह है, कोई मसला इसमें नहीं है। सर, वो जी कौन सा 6, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो बराबर है, कोई मसला नहीं, वो कीमत इसकी मांग रहा है। अभी देखिए बी बी की जगह पर क्या होना चाहिए, अगर ये दोनों इक्वल है तो बी की जगह पर क्या होनी चाहिए, तो 2 होनी चाहिए अगर हम लोग इसको इक्वल बनाएंगे, ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग बराबर बनाएंगे तो हमारे साथ ये इस 2 की जगह पर सॉरी इस बी की जगह पर 2 होनी चाहिए, इस सी की जगह पर 4 होनी चाहिए, इस ए की जगह पर 3 होनी चाहिए, तब ये एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं वरना नहीं हो सकते, सही है, यही कंडीशन है कि ये दोनों किस तरह बराबर हो सकते हैं, ये दोनों किस तरह बराबर हो सकते हैं, अगर ए की जगह पर हम लोग 5 लगा दें, बी की जगह पर हम लोग -7 लगा दें, 5 की जगह मतलब सी की जगह पर हम लोग 5 लगा दें और यहाँ पर डी की जगह पर हम लोग 2 लगा दें, तो ये इक्वल हो सकते हैं वरना नहीं हो सकते हैं, सही है, क्योंकि इनके बीच में क्या है इक्वलिटी की साइन है, सही है। और ये मश्क तकरीबन मुकम्मल हो गई, ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गया है।